मैंने ये सोचा कि इंग्लैंड से डायरेक्टर आ रहे हैं कामरान कुरैशी साहब, कोई आकर मुझसे इंग्लिश सा काम करवाएंगे, कोई हाई फाई मॉडर्न खातून का, लेकिन गो कि मैंने कैरेक्टर पढ़ रखा था, मुझे पता था मेरा कैरेक्टर क्या है, लेकिन ऐसे ही मैं उनसे कहती थी, मैं कहती आप आएंगे तो मुझसे इंग्लिश का काम करवाएंगे, लेकिन आपने तो एक अपाहज बूढ़ी और बग़ैर मेकअप के, लेकिन बहरहाल मुझे ये कैरेक्टर करके बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सीखा मैंने इस कैरेक्टर से। यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। What? तुम हिंदू हो? नमस्ते आंटी। ये तुम क्या कर रही हो? पायल क्या कर रही हो तुम? बैठो ना, बैठो। I'm sorry, काफी दिनों से भगवान की प्रार्थना नहीं की थी, सोचा आज करूं। बहुत बहुत मजहबी खातून है, लेकिन पूरा ही दुपट्टा वैसे हमेशा मैंने सर पर रखा है। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जैसे रात में सोकर उठी है तो नेचुरली वो उसमें तो मैं नहीं रख सकती थी सर पर, तो इसे नेचुरल करने के लिए इस वक्त, वरना मैंने सर पर रखा। सही तरह दबाओ ना, रुई रखी हाथों में क्या? मैं आपको दबा क्यों? माँ को तो दबाना ही नहीं चाहिए, कहते हैं कि माँ से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए। फालिश की कंटिन्यूटी जाहिर है कि मैंने इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और डायरेक्टर ने बताया था कि या तो छालियाँ रख लें या टिशू रख लें या कॉटन रख लें, तो मैंने फाइनली ये सोचा कि मैं टिशू रखूँगी, और टिशू इधर रखने के बाद फिर वो शुक्र फारस के साथ मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस है काम करने का, मैंने उनकी बहुत अच्छी रिप्यूट सुन रखी थी मार्केट से, और जो कि जब मैंने काम किया तो प्रूफ भी किया उन्होंने, और मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ, स्पेशली जो स्क्रिप्ट है वो बहुत मजबूत है।